प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस आज 16 जुलाई को 39 वर्ष पूरे हो गए। इसका 39वां जन्मदिन रेलवे प्रशासन ने मनाया। जंक्शन पर केक काटकर इस ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया। प्रयागराज से दिल्ली तक की यात्रा करने वाले यात्रियों की यह ट्रेन पहली पसंद होती है। पिछले 6 माह यानी जनवरी से जून तक की बात करें तो इस ट्रेन से 42 करोड़ रुपए की कमाई रेलवे की हुई है। इस ट्रेन को उत्तर मध्य रेलवे का सबसे ज्यादा कमाई वाला ट्रेन भी कहा जाता है। इसका संचालन प्रतिदिन प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज के बीच होता है। प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन पहली बार 16 जुलाई 1984 को ही हुआ था। जब ये ट्रेन शुरू हुई थी तो उस समय 17 कोच थे। उस समय इस ट्रेन का उद्घाटन तत्कालीन मंत्री राजेंद्र कुमार वाजपेयी ने किया था। इन्हीं के प्रयास से इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था। ट्रेन में लाल रंग के कोच होते थे। धीरे धीरे ये ट्रेन भी नए रूप में दिखने लगी। इसके बाद वर्ष 2003 में प्रयागराज एक्सप्रेस में नीले वाले ICF कोच लगे। यह उत्तर मध्य रेलवे की पहली ट्रेन रही जिसे ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला। वर्ष 2016 में प्रयागराज को LHB रैक मिला। ये देश की सबसे लंबी ट्रेन है जिसमें LHB के 24 कोच लगते हैं और इसकी लंबाई करीब 600 मीटर है। ट्रेन के 35 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रयागराज एक्सप्रेस पर एक डॉक्यूमेंट्री मैं प्रयागराज एक्सप्रेस भी बनाई जा चुकी है। खास बात यह है कि प्रयागराज एक्सप्रेस NCR की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन है। इस वर्ष जनवरी से जून तक ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस ने दोनों ओर से 42.17 करोड़ रुपए की कमाई की। नई दिल्ली की ओर 21.41 एवं नई दिल्ली से प्रयागराज की ओर 20.76 करोड़ रुपए की कमाई प्रयागराज एक्सप्रेस से हुई।